मॉर्निंग, कैसे हो आप? मैं संदीप वर्मा, वॉइसर बॉय यूट्यूब चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। और फिर से आ चुका हूँ मैं शिवानी ऑटो पार्ट गैरेज के पास में, जो देख सकते हो यहाँ पे तीन गाड़ियाँ खड़ी है। मेरी गाड़ी का जो मैंने बताया दो दिन से जो प्रॉब्लम चल रहा था, वही प्रॉब्लम आज भी हो रहा है। जो रनिंग में गाड़ी बंद पड़ जाती है तो बहुत तकलीफ देता है, तो उसे हम सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं। देखते हैं आज सॉल्व होता है कि नहीं। सॉल्व तो होना ही है, जब मैकेनिक का हाथ लगेगा तो सॉल्व होना ही है। तो बने रहिए, देखते क्या क्या करता है और कैसा क्या क्या काम होता है। क्योंकि ये मैकेनिक जो है, मैंने पहले ही बताया, बहुत ट्रेंडिंग में है। हमेशा जो फर्स्ट क्लास जो काम होते हैं ना, इनकी तरफ से कंप्लीट हो जाता है। तो बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुरू से एंड तक देखिएगा पूरी वीडियो तक। और चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो, वीडियो जरूर शेयर करो। मैं अपनी गाड़ी का जो रिपेयरिंग था मैंने कर लिया, और वहाँ से लेके मैं निकल चुका हूँ अपनी गाड़ी को। और जो था सेटिंग, सिर्फ नॉर्मली सीएनजी का सेटिंग करके छोड़ दिया गया। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है क्या? ये पेड़ जो दिख रहा है ना आपको, दोनों ए बी और ए बी, इतना प्यारा लग रहा है ना, इतना प्यारा कि क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पे है कि आराम से आप बैठ के एक नींदे, गांव खेड़े में जब जाओगे ना गांव में, तो अधिकतर लोग आपको ऐसे ही पेड़ के नीचे सब बैठे हुए नज़र आएंगे। जैसे पेड़ दिख रहा है ना, ऐसे ही पेड़ के नीचे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे सभी लोग। इसमें जब हमारे जो दोस्तों हैं, जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, सब लोग ना बहुत इन्जॉय करते थे। मतलब जंगल पट्टी एरिया में ना काफ़ी घूमा करते थे। तो जैसे बारिश का सीज़न स्टार्ट होता था ना, तो इस समय क्या होता है, जंगल में जो करवंदा का पेड़ है, जैसे करवंदा का पेड़ है ये पूरा, ये जो है करवंदा का पेड़ है। और जंगल में इस समय करवंदा बहुत ज़्यादा पकता है, क्योंकि बारिश गिरने के बाद ही तुरंत पकना चालू हो जाता है। और हमारे जितने भी मित्र थे ना, बता रहा हूँ ना, अधिकतर लोग उस समय करवंदा तोड़ने जाने के, देखिए देख सकते हो उधर करवंदा सब पका हुआ है, वो सब पेड़ में, ये पेड़ में ही पका हुआ है। लेकिन अंदर क्यों नहीं जा रहा हूँ मालूम है क्या? थोड़ा अंदर, ये अंदर एरिया में क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये सब करवंदा का जो पेड़ है ना, यहाँ पर बारिश के सीज़न में क्या होता है, सभी बिलों से नागा हुआ निकल जाते हैं बाहर, तो इसी फील्ड में आसपास घूमते रहते हैं। और करवंदा के पेड़ के नीचे काफ़ी बिले होते हैं, तो इस वजह से मैं तो बोलूँगा रिक्स मत लेना कोई। मैं दिखा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन रिक्स मत लेना कोई। और करवंदा तोड़ने कृपया कोई मत जाना। पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है। ये पूरा एरिया देखो, सिर्फ करवंदा का पेड़ है ये पूरा, और लास्ट तक उधर, उधर भी, उधर भी, और पीछे का जो एरिया है पूरा, वही पूरा सिर्फ करवंदा का पेड़ है। तो समझ सकते हो कि यहाँ के, जो कि यहाँ लोकल है, आसपास का घर भी है, लेकिन कोई तोड़ता नहीं है। ये हम लोग जिसमें जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, वो सब पहले जंगल में जाते थे तोड़ने के लिए। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रेंड सर्कल के लोग भी, और भी एक्स्ट्रा और भी मित्र थे, जो फ्रेंड्स थे, जो कि काफ़ी उस समय जंगलों में घुमा करते थे ये सब चीज़ खाने के लिए। छोटा सा बचपना था, समय कम था, और मतलब उम्र भी कम थी, तो हम लोग सोचते थे चलो घूमते हैं, इन्जॉय करते हैं। लेकिन अब जो है, बता रहा हूँ ना मैं, ये सब एरियों में आने के लिए सालों साल निकल जाते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। ये पुरानी यादें ताज़ा कर दी, करवंदा। चलो बने रहो, आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, फटाफट शेयर भी कर दो। टाइम में जो ये बिल दिख रहा है आपको, चूहे का बिल होता है। लेकिन इस बिल में क्या होता है, जब पानी जाता है तो नागों वो बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। ऐसे आपको कई एरिया में आपको लोकेशन पे ऐसा दिखाई देगा। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूँगा, नम्र विनती करूँगा कि जंगलों में आप जब जाए तो फुल जो जूता आता है, जो कि घुटने तक पहनने के लिए जो जूता आता है फुल, वो पहन के आप जंगल में जाए मेरे हिसाब से। लेकिन अगर काम नहीं है तो जंगल में जाओ भी मत। ऐसे सीन देख सकते हो, काफ़ी प्यारा व्यू है, व्यू खूबसूरत है ये भाई। हमारा बोईसर ऐसा है कि क्या बताऊँ आपको मैं। अगर घूमने निकलोगे तो घूमने के लिए जगह बहुत है, तो ये निकलते ही नहीं घूमने के लिए, तो क्या बताएं हम आपको। अभी हमारे मित्र भी सब बिज़ी हो चुके हैं, एक दूसरे हर अपने अपने कामों में व्यस्त हो चुके हैं, इस वजह से मुलाकात बहुत कम हो पाती है। चलो यादें तो ताज़ा होती रहेगी, कम से कम अभी हमने ग्रुप भी बनाया है जेट पी है व्हाट्सएप पर, तो उससे भी अभी रेगुलर बातें हो जाती है और मुलाकातें हो जाती है दोस्तों यारों से भी। अपनी फसल काट ली है पूरी तरह, थोड़ी सी फसल ये साइड की बाकी है, और एक वहाँ पर कट रहा है महिलाओं जो वहाँ पे काम लगे पड़े काम करने में।
और इस साइड का भी थोड़ा फसल जो है कट चुका है, वो साइड मेरे पीछे की तरफ ये फसल थोड़ा बाकी है, ये बाकी है, इसके पीछे वाला बाकी है। ये साइड तो कुछ दिन पहले आया था पूरा का बाकी था, तो ये कट चुका है। और करवंदा का जो है, ये जो बड़ी जाती है करवंदा यहाँ पर है भाई, इतने बड़े बड़े बोर के ऐसा करवंदा है यहाँ पर। इस समय करवंदा का सीजन है, करवंदा काफ़ी देखा जाता है, काफ़ी मिलता है करवंदा। एक टाइम था ये करवंदा के लिए हम लोग भाग भाग के आया था कि पहले मैं लूटूंगा। इस पेड़ में बहुत ज़्यादा ही करवंदा है यार, लेकिन किस्मत ख़राब है कि उस जगह पर जाके मैं तोड़ नहीं सकता, काफ़ी बड़े बड़े। थोड़ा फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ आपको, मैं देखो ज़रा सर, देखिए कैमरे में दिख पाएगा तो ठीक है। हाँ ये देखो दिख सकता होगा, देखो कैमरे में उतना नहीं कैच हो पा रहा है। एरिया से निकल के आ चुके हैं बोईसर एमआईडीसी में, जैसे देख पा रहे हो सूर्यास्त अभी होने वाला है, तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, क्योंकि वीडियो की एंडिंग भी एमआईडीसी में ही होने वाली है। और बचपन की यादें जो कि वहाँ काफ़ी ताज़ा हो जाती है जब हम उस सब एरिया में जाते हैं जहाँ बचपन में घुमा करते थे, और वो एरिया हमेशा याद रहेगा। क्यों? जब भी उस एरिया में कदम रखेंगे तब भी वहाँ पर एरिया याद रहेगा कि हाँ हम ग्रुप सर्कल में वहाँ जाया करते थे और ये काम किया करते थे। जैसे मेरे क्लोज रहने वाले फ्रेंड में तो वीरे, मतलब हम लोग वीरेंद्र करके बोलते हैं, वीरे जो सबसे ज़्यादा क्लोज था स्टार्टिंग से ही, तो मतलब जब से उन्होंने क्लास ज्वाइन किया तब से ही। और उसके बाद और भी सब फ्रेंड थे, राहुल, रईवान, जैसे और भी मेरे करीब 30-40 फ्रेंड थे जो कि मेरे क्लासमेट थे। ठीक है, तो अभी जो ZP हम जो ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप पर, वो ग्रुप में भी करीब 18-20 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी होती है। ठीक है, और दिन जो व्हाट्सएप पे बातें होती है तो उसके बाद और खुशी बढ़ जाती है कोई भी बात। तो अभी एक चीज़ और है, ग्रुप बनने से एक फ़ायदा और हो गया कि कुछ भी किसी की कोई पर्सनल बातें रहेगी जो जिस प्रॉब्लम से वो झेल रहा है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो वो हमें कम से कम व्हाट्सएप पर शेयर कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। बोईसर एमआईडीसी में एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ, मैं जो ये लाइट के पॉल है ना मेरे पीछे, ये लाइट का पॉल दिख रहा है ना, ये लाइट का पॉल का जो टर्मिनल बॉक्स है, टर्मिनल बॉक्स 99% एरिया में खुला हुआ है। अभी एक एरिया में मुझे सबसे अलग क्या लगा मालूम है, वहाँ पर पूरा टर्मिनल बॉक्स तक मिट्टी भर दिया गया है। तो सोच सकते हो कि कितना प्रॉब्लम हो सकता है, बारिश का सीजन है, अगर रात के समय लाइट चालू करते हो टर्मिनल के द्वारा करंट जो कि पानी में ज़मीन पर आ सकता है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो वो वीडियो कल मैं डालूंगा, आज तो नहीं, कल मैं वीडियो डालने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में। और एमआईडीसी में कई स्थान पर, कई एरिया में जो कि ये टर्मिनल बॉक्स जो खुलने का केस है ना, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा बोईसर एमआईडीसी प्यारा एमआईडीसी है। अभी फ़िलहाल में मैं हूँ रामदेव के पास में, और ये रास्ता आरती प्लान की तरह जाता है, और ये साइड भी जो कि है UPL कंपनी, UPL का शायद 12वां या 14वां कुछ यूनिट प्लान यहाँ पर डाला हुआ है। तो बोईसर एमआईडीसी बहुत बड़ी एमआईडीसी, अक्सर मैं बताया करता हूँ कि एक दिन में एमआईडीसी पूरी तरह नहीं घूम पाऊँगा। अगर मैं 4 से 5 प्लांट को भी कवर करता हूँ तो एक दिन में एक ही वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं लास्ट ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने का तो 15 मिनट तक की, 15 मिनट से ऊपर की वीडियो में हो ही नहीं पाता, क्योंकि प्रश्नों काम भी मेरे रहते हैं इस वजह से। तो आप बताओ मुझे वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो मुझे ये भी कमेंट करके बताओ। तो कुछ और इंटरेस्टिंग व्यू बने रहो, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ऐसे बादल पीछे दिख रहा है, ऐसा कैमरे में उतना नहीं दिखो, बादल दिख रहा है पीछे में, हाँ बादल दिख रहा है। तो हो सकता है तो आज बारिश भी हो सकती है, यहाँ पे बारिश का संभावना लग रहा है बोईसर एमआईडीसी में। ऐसे भी मौसम विभाग द्वारा बोला गया है कि मतलब बारिश हो सकता है, देखते हैं कि बारिश आता है कि नहीं। तो चलिए बने रहिए, आगे चलता हूँ और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। सर एमआईडीसी में ना सिर्फ कंपनियाँ की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ कंपनियाँ देखिए, जितनी भी कंपनियाँ बोईसर एमआईडीसी में है, सब कंपनियाँ सिर्फ अपने बाहर का हिस्सा को संभाल लेना तो ये ऐसा ही विदेश बन जाएगा। सिर्फ जितनी भी कंपनियाँ हैं सिर्फ संभाल ले तो कई सारे पॉइंट हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा, समझाऊंगा। कोई कंपनी अगर देख रही होगी तो फिर वो कुछ करने की कोशिश करेगी, तो वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, ज़रूर मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा वो चीज़ को। तो वीडियो जो कि है, पीछे ट्रांसफार्मर दिख रहा है, ये नहीं सर, ये ट्रांसफार्मर नहीं, इसके बगल का एक ट्रांसफार्मर है, हाँ वहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर अभी कंपनी के बाहर है लेकिन पूरा ओपन है।
तो जैसे कई सारे फॉल्ट है, कई सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट को मैं कवर करूँगा, एक एक वीडियो में कवर करूँगा और मैं बताऊँगा आपको, आप तक पहुँचाऊँगा ये बातें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि अपनी एमआईडीसी और खूबसूरत और एक बेहद खूबसूरत बन जाएगी। कैसे बनेगी मैं बताऊँगा आपको। अगर एक एक एरिया अगर करते चला जाए हर कंपनी अपनी बाहर का एरिया ना, तो जल्द आने वाले 6 महीने से 8 महीने में ही पूरी एमआईडीसी एक सुंदर और प्रदूषण मुक्त बन जाएगी। कितना ही प्रदूषण हो लेकिन अगर हम जो बोलते हैं ना पेड़ पौधे सब चीज़ पे ध्यान दिया हुआ है ना, तो सब प्रदूषण हट जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। कल देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है।